फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाज बुटीक। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सलवार की स्टिचिंग। ये सलवार की कटिंग हम पहले ही कर चुके हैं। ये हमारे बीच वाले हिस्से हैं, इन्हें पार्ट कहते हैं। ये कलियां हैं और ये हमारी बेल्ट है। सबसे पहले हम बेल्ट सिलेंगे। ये हमने सिलते वक्त पक्का कर लिया है ताकि हमारी सिलाई ना खुल जाए। आधा आधा इंच की दूरी पे हम सिलाई लगाते रहेंगे। इसको यहाँ से भी पक्का कर लेंगे और ये फालतू के धागे हाथ के हाथ काट लेंगे। ये हमने जोड़ लगाया हुआ है इसलिए इसके तीन हिस्से हो रहे हैं। ये देखिए, एक दो तीन। हमारा कपड़ा कम था इसलिए हमने जोड़ लगाया हुआ है। ऐसे इसको भी पक्का कर लेंगे। ये हम नाड़ा डालने के लिए जगह छोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम 2 से 1.5 इंच की सिलाई लगाएंगे। इसको पक्का कर लेंगे और इस सिलाई पे डबल सिलाई लगा देंगे। इस साइड से भी ऐसे ही लगाएंगे। अब 1 इंच छोड़कर, 1 इंच की जगह हमने छोड़ दी, यहाँ पे हम नाड़ा डालने के लिए जगह छोड़ेंगे और इस सिलाई को वापस ले जाएंगे। फालतू के धागे ही हाथ के हाथ काटते रहेंगे। ये देखिए, इसमें नाखून मारेंगे ऐसे। और यहाँ एक पैर की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हम एक एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने नाड़ा डालने के लिए जगह छोड़ दी। अब हम नेफा मोड़ेंगे। ये देखिए, आधा इंच अंदर की तरफ लिया और फिर हमने जहाँ से ये ओपनिंग छोड़ी थी उसके ऊपर ऐसे रखकर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमारी सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे आ रही है।
ये जो भी जोड़ आ रहे हैं हमें एक साइड रखने हैं एक ही डायरेक्शन में। ये इस साइड आया है तो हमें दूसरे जोड़ भी इस साइड ही करने होंगे ताकि नाड़ा डालने में हमें परेशानी ना हो। ये देखिए हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इन पार्टों में कलियों को जोड़ेंगे। ये देखिए ये उल्टी साइड है, पहले हम उल्टे पे ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ऐसे ही कलियों में लगा लेंगे। ये हमारे चार हिस्से हैं, ये उल्टा है, ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है और ये उल्टा है। अब इसी तरीके से हम इनको ऐसे अपने पैरों पर रख लेंगे। अब इसमें से एक पार्ट लेंगे और कलियों को जोड़ते जाएंगे। देखिए हमने एक पार्ट ले लिया है, ये हमने एक कली ले ली है, अब इसको ऐसे जोड़ेंगे। हम जो भी सिलाई लगाएं पहले उसे पक्का कर लें। ये हमने पक्का कर लिया। और हाथ के हाथ धागा कट कर ले। ये हमारी एक कली लग चुकी है, अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। ये उल्टा है, ये हमारा सीधा है। ये हमने दूसरी कली ली, ये देखिए सीधी साइड हमारे अंदर की साइड है। ये देखिए उल्टी साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारे दोनों पार्टों में एक एक कली लग चुकी है, हम दूसरी कली लगाएं। ये हमारी चारों कलियां जुड़ चुकी हैं, अब हम आसन जोड़ेंगे। अब ये
आसन की सिलाई लगा रहे हैं। आसन की सिलाई हम डबल करेंगे, इस पर एक और सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड का आसन जोड़ेंगे। ये आसन की सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब हम सलवार में बेल्ट को जोड़ेंगे। ये देखिए, नेफे वाली साइड से हम 8 इंच का कट लगाएंगे। इस वाले हिस्से में हमारी प्लीट्स आएंगी और बैक का निशान लगाएंगे। ये देखिए, एक कट यहाँ लगाएंगे, ये बैक वाले आसन से जोड़ेंगे। बेल्ट हम नीचे रखेंगे, इस वाले कट से इस सिलाई को मिलाएंगे और ये जो भी मार्जिन है ये सारा इस साइड, सारी सिलाइयाँ हम एक डायरेक्शन रखेंगे। ये देखिए, सिलाई और कट को हमने मिला लिया। अब यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हम इस कट वाले निशान तक आ चुके हैं। अब हम यहाँ से प्लीट डालेंगे। एक एक इंच की प्लीट डालेंगे ऐसे। ये देखिए, एक साइड की हमारी प्लीट डल चुकी है। अब हमें इस वाले सन का निशान, सिलाई इस वाली सिलाई से मिलानी है और यहाँ पे अब पहले इस डायरेक्शन में प्लीट थी, अब इस डायरेक्शन में डालनी है। जैसे उस साइड प्लेट डालिए ऐसे इस साइड डाल दीजिए। ये जो हमारी ये वाली क्रीच लाइन है, इसकी प्लीट हमें ऐसे डालनी होगी। ये देखिए ऐसे। हमें इसका हिसाब देखना पड़ेगा। हम बेल्ट पर डबल सिलाई छेड़ देंगे।
देखिए हमारी बेल्ट सलवार में लग चुकी है। आगे काट देंगे तो हम सलवार के पोछे बनाएंगे। ये बुकरम हमने पहले से काटी हुई है, ये 1.25 इंच के लिए है, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप 1 इंच के बनाओ, 1.5 इंच के बनाओ, ये 1.25 इंच के, हमने 1.25 इंच लिए और ये पट्टी काट ली है। ये देखिए हम मार्जिन के लिए इतना छोड़ देंगे और ये बुकरम पे सिलाई लगाएंगे, बुकरम के किनारे पे सिलाई लगानी है। ये हमारी एक साइड सिलाई लगाई है, हम इसको पूरा ऐसे कवर कर लेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये फालतू का कपड़ा हम काट देंगे, ये सलवार की सीधी साइड है और ये पोंछा है, हम इसको उल्टा रखेंगे, इसको सीधा, दोनों ये सीधी साइड अंदर की साइड है, ये देखिए, और इस कट से इस कट को मिलाएंगे, ऐसे रखेंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे बराबर। और इसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल जड़ में, सिलाई बुकरम पे नहीं चढ़नी चाहिए। ये देखिए कट बिल्कुल मिला हुआ है और ऐसे ही यहाँ से मिला के ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए कट बिल्कुल बराबर आना चाहिए, तो हमारा ये पोंछा कभी टेढ़ा नहीं होगा। अभी देखिए हम सिलाई लगाएं, ऐसे ही दूसरी साइड लगाएंगे। ये हमने दूसरी दूसरे पैर का पोंछा भी हमने सेट कर लिया है। अब ये देखिए मार्जिन इस साइड रखेंगे, इस साइड, और इस पोंछे को ऐसे ऐसे करके एक टॉप सीम लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करके दूसरी साइड भी ऐसे ही लगे सिलाई लगा लिए। अब ये देखिए यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे, ऐसे बराबर बराबर करके, thank you.
ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई। यहाँ पर भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ किनारे पे लगाएंगे। चाहे तो हम ऐसी सीधी सीधी सिलाई लगा सकते हैं या डिजाइन भी बना सकते हैं। हम आपको डिजाइन बना के दिखाएंगे। अब बीच में जिगजैग बनाएंगे छोटे छोटे। ये देखिए हमने जिगजैग बना लिया। अब हम इसमें सिलाइयाँ भरेंगे। सब देख लिया, मुझे सब करना आ गया इसमें। ये देखिए हमारे पोंचे बन चुके हैं। अब हम मोरी की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारे बॉटम 8 है, तो हम ऐसे निशान लगाएंगे और इसको तिरछा कर लेंगे। ऐसे यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट दोनों को ऐसे मिलाकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को ऐसे ये दोनों को मिलाकर ऐसे राउंड में लेते हुए आएंगे। ये देखिए फिर इसको ऐसे पकड़कर देखिए हम दूसरे पोंचे तक आ चुके हैं। अब पहले वाले पोंचे से हम उसको रख के और ऐसे बराबर के निशान लगाएंगे। देखिए ऐसे करके ये निशान ऐसे
वो तिरछा निशान लगा से ऐसे सिलाई लेते हुए। मार्जिन इस साइड रखेंगे, ये देखिए हमें सिलाई यहाँ तक लानी है और इसको पक्का कर देंगे। ये देखिए हमारी सलवार बनके तैयार हो चुकी है। ये हमने पोंचे का डिजाइन बनाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।